हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। वट सावित्री पूजा की, नहाय खाय की स्पेशल पूजा है। इस ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक की दिनचर्या आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो जिस दिन नहाय खाय होती है, ये थर्सडे वाले दिन की ब्लॉग है, तो सारी क्लीनिंग चल रही है मॉर्निंग से उठ करके। कुछ तो मैंने उसके पहले दिन ही क्लीन कर रखा था वेडनेसडे को, और कुछ कुछ क्लीनिंग मॉर्निंग में कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी क्लीनिंग तो डेली क्लीनिंग में भी आते हैं, इसलिए इसे ना मॉर्निंग से ही कर रही थी। तो जितने भी थे वहाँ पे टीवी के पास, टीवी यूनिट के पास, वो सारी को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। टेबल, सोफ़ा, जितने कपड़े थे सोफ़े के, वो सारे भी धुल करके धुलने के लिए रखा है। तो आज के स्पेशल में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी वट सावित्री या किसी भी पूजा के लिए हम सब फास्ट करते हैं, तो उसके एक दिन पहले नहाय खाय करते हैं। उस दिन हम सभी को ना अपनी पुरानी चूड़ियों को उतार करके नई चूड़ियाँ डालना चाहिए। पुराने चूड़ियाँ क्या होते हैं कि गंदे हो जाते हैं, बार बार यूज होते हैं, इस वजह से हम लोगों को नए चूड़ियाँ डालना चाहिए थोड़े थोड़े। इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ, सारे एक साथ ही यूज़ नहीं करती हूँ। पुराने जो डेली वाले हैं, जिसमें नमक और प्याज लहसुन खाने वाले, वो यूज़ करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये चूड़ियाँ बदल दी हैं, और आप सब भी इस बात का ध्यान रखना और बदल देना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चूड़ियाँ बदलने के बाद। सबसे पहले पूजा घर में, पहले श्रृंगार करने के बाद ही आना चाहिए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे क्लीनिंग करके पूजा कर ली हूँ, और आज मुझे नमक नहीं खाना है, ना ही लहसुन प्याज बनाएंगे, ना ही खाएंगे। तो आज के लिए मैंने यहाँ पे नींबू पानी लिया है, चना और मूंग चीनी के साथ खा रही हूँ, और अपने लिए यहाँ पर लंच में ये बना रही हूँ, जो कि मैं आज यही वाला सिर्फ खाऊंगी, दिन में भी और शाम में भी। तो यहाँ पे ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इजी से बन जाता है। आप इसे ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। पहले मैं छोटी थी तब ये खाया करती थी, और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी, लोगों ने कभी खाया ही नहीं था, लेकिन मैं जब बनाई कल तो बच्चे बहुत चाव से खाएं। तो बच्चों को भी ये ना बहुत पसंद आएगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। आटा और चीनी को मैंने अच्छे से घोल लिया है, एक अच्छा पेस्ट बना लिया है, और यहाँ पे रख दी हूँ पैन, और इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल लगता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने डाला है, और राइस ऑयल डाला है, और एक एक करके मैं यहाँ पे फिर पकाते जाऊँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगेगा। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि 2 दिन तक इसी तरह रहना है। तो अभी हल्का हल्का ही मीठा मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, बस इस तरह से डाल करके फैला देना है, और ये पक जाएगा। अच्छे से उलट पलट के पका लेना है। किनारे थोड़ा सा दिक्कत लगेगा उचाड़ने में फर्स्ट वाली, उसके बाद तो आराम से आपसे की निकलते जाएगी। और ये आटा की बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, रोस्ट करके या फिर बिना रोस्ट किए। तो ये देखिए, सिंपल सा छीला बन गया है आटा की, आटा चीनी की। ये नमक वाली आज नहीं खाने, इसीलिए मैंने फ्रेश वाली जो अच्छे से साइड में रखी होती है मेरे स्टोर में, वो वाली चीनी और आटा का यूज़ करके मैंने ये रेडी कर लिया है छीला। और ये देखिए, एकदम ही अच्छे से बन के आ गया है, दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। और ये दूसरा भी इसी तरह से डालते जाना है, और सारी को निकाल लेना है। तो जैसे जैसे बनते जा रहा था, बच्चे ले लेके खाते ही जा रहे थे, बच्चे बहुत चाव से और बहुत अच्छे से खाए हैं। उसके नेक्स्ट डे जिस दिन था, उस दिन भी हम लोग नमक नहीं खाते हैं, 19 तारीख को वट सावित्री पूजा के दिन, तो मैंने यही बनाया था, बच्चे भी उस दिन भी अच्छे से खाएं। उसके बाद मैं अपना, क्लीन था किचन इसलिए मैंने पहले अपना वाला बना के रख लिया है, और अब मैं सबके लिए लंच रेडी कर रही हूँ, जिसमें कि ये वाले नॉर्मल नमक से ही बनेगा, लेकिन बिना प्याज लहसुन वाले से बनेगा। आप सिंधा नमक भी खा सकते हैं, अरवा भी खा सकते हैं, जिस दिन नहाय खाय रहती, लेकिन मैं इस कुछ भी नहीं, सिर्फ वही वाला खाई, क्योंकि तो बहुत अकेले के लिए कुछ भी करना ना बहुत झंझट लगता है। तो चावल बन रहा है, दाल रेडी है, सब्जी
मैंने यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी बनाई है और दिन का रूटीन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। फिर खाना वाना होने के बाद सो गई और शाम के 4 बजे की ये वाली वीडियो है। तो शाम में चार बजे जब मैं उठी तो यहाँ पे मैं कुछ प्लांट लेकर के आई थी, कुछ लगा ली थी और यहाँ पे एक प्लांट बचा हुआ था जिसको कि मुझे इस लगाना है और मैं यहाँ पे मिट्टी को डाल के और यहाँ पे लगा रही हूँ। पहले मेरे पास आप सभी ने देखा होगा जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत सारे प्लांट थे लेकिन सारे को आना पड़ा है, शिफ्टिंग में सारे इधर उधर हो नहीं लाई हूँ। तो मैं यहाँ पे नया से फिर से अपना सारा सेटअप कर रही हूँ। और ये पाम ट्री है जिसको ये एक था, इसे मैं डिवाइड करके और दो बना ली हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसी दिन आप सभी के साथ ये भी मैं शेयर करूँगी किस तरह से की हूँ। तो ये पूरा दो प्लांट मैंने रेडी कर लिया 2 गमलों में करके और उसके बाद प्लांटिंग करने के बाद मैं फिर आ गई रूम में और इवनिंग की क्लीनिंग सारी चल रही है। मैंने सोफ़ा की कवर वगैरह सारे वेडनेसडे को रात में ही डाल दिया था धुलने के लिए, तो ये धुल गया है, सूख गया अच्छे से। अब मैं इन सभी को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। जब भी पूजा होती है किसी तरह का तो हम लोग ना सारे घर की सारी चीज़ों की सफाई कर देते हैं। हालांकि मेरे यहाँ कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, फिर भी सारी क्लीनिंग करना ही पड़ता है और गंदी भी हो जाती है। और ये अच्छा नियम भी है कि क्लीन हो जाता है सारे कुछ, नहीं तो डेली ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ओकेजनली ये सारे क्लीन हो जाते हैं तो घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है और सारा अच्छा फ्रेश भी लगता है। टाइम से वो काफ़ी सोच समझ के और अच्छे ही बने हुए हैं। कुछ जो ख़राब हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन जो चीज़ें अच्छा है उसको आप ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने सारे में लगा दिया कुशन कवर और सबको अरेंज कर दिया और ये देखिए काफ़ी क्लीन सा हो गया है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। अब बच गई है जो अभी तो मैंने ये सारे जितना हटाया था वो सारा का सेटअप किया है पूरा। अब यहाँ भी देखिए पूरा क्लीन सा लग रहा है, यहाँ भी मैंने मॉर्निंग में क्लीन कर दिया था। अब बारी है बेडरूम की, तो मैं बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ भी बेडशीट को मैंने झाड़ के, बेडशीट वही है बस झाड़ करके मैंने लगा दिया है। अच्छे से तकिया सबको अरेंज कर दे रही हूँ, रेडी हो गया है। तो ये भी पूरा साफ़ सुथरा सा क्लीन हो गया है। अब इवनिंग में बच्चे आएंगे तो फिर ये ज़रूर बिगड़ेगा। और अब बारी है जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि शाम के समय हो रही है और एकदम शाम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और ये सब आप सभी भी जानते होंगे। तो शाम की क्लीनिंग हो गई है और बच गए हैं 6 और अब मैं आ गई हूँ पैर हाथ धो के अच्छे से फ्रेश होकर के पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इवनिंग की पूजा कर रही हूँ और इस तरह से मेरा नहाए खाई का दिन पूरा का पूरा चला गया। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए